हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनडी स्टडी स्टूडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a इक्वल टू cos b हो, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ये और ये तो 90 डिग्री का ही होगा कोण सी, जाहिर सी बात है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180, जबकि कोण सी है ना, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस ये 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो कोण ए बराबर अगर हम निकालें तो 90 माइनस कोण बी लिख सकते हैं हम, यहाँ से कोण ए का मान निकालें तो 90 माइनस कोण बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोण ए का मान आ गया हमारा यहाँ से। अब हम करेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए की जगह, कॉस ए की जगह हम जो है कोण ए की जगह हम लगा सकते हैं 90 माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस कोण बी बराबर कॉस बी, ठीक है। तो जो है कॉस कॉस जब इक्वल हो जाएंगे तो कोण बराबर हो जाते हैं, तो 90 माइनस बी बराबर बी। ये माइनस का बी जब इधर आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू बी प्लस बी, ठीक है। 90 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1b और 1b हो गए 2b, ठीक है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 अपॉन 2, तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो बी इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब कोण बी का मान इसमें रख देंगे हम, ठीक है। तो बी का मान कोण ए के मान में रखने पर, कोण ए के मान में रखेंगे तो जाएगा कोण ए बराबर 90 माइनस 45, ठीक है। तो कोण ए बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। बी की जगह मैंने रख दिया 45, तो ये आ गया कोण ए बराबर। अब कोण ए भी 45 है आपका, कोण बी भी 45 है, तो हमारा क्या आ गया, कोण ए बराबर कोण बी आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, हैज प्रूव्ड। यही आपसे मांग रहा था कि हमें ये दिखाना था, शो करना था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है कि नहीं है, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कॉट अल्फा इक्वल टू 7/8 हो तो निम्नलिखित मानों का परिकलन कीजिए, यानी कि हमें बताना है 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, इसका मान बताना है, संग में इसका मान बताना है कॉट अल्फा का, कॉट स्क्वायर अल्फा का, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात वही करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका मान दे देंगे ए बी सी, ठीक है। ये कोण हो जाएगा हमारा अल्फा, ठीक है। अब कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इक्वल टू होता है आपका 7/8 जो कि दे रखा है। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार हो गया आपके यू है 7 और लंब हो गया आपका 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसे कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 113, ठीक है।
113 आ गया, के इक्वल टू आ जाएगा ये अंडर रूट में 113, के की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 113। ठीक है, अब सबसे पहले हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लें और कॉस अल्फा की। साइन अल्फा ये निकाल लेते हैं, साइन अल्फा की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, साइन अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका 8 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, और कॉस अल्फा की और निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें कॉस अल्फा की भी जरूरत है, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी का, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है सूत्रानुसार ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा का 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन इसी तरीके से 1 का 1 आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 13 का 113 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम ले लें हम, तो ऊपर का 113 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 113 से यहाँ से 1 मान लेंगे, तो 1 का 113 में गया तो 113 टाइम्स जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 113 से 113 में अगर डिवाइड लगाएंगे हम तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का अगर 64 में करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि 113 माइनस 164 जो आ जाएगा आपका। इसी तरीके से नीचे एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो 113 से 113 आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका, इसमें 113 में से 64 जाएंगे तो बचेगा 49। ठीक है, और अगर 113 में से 49 जाएंगे तो बचेगा 64। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर 49 अपॉन 64। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। सेकंड वाला जो कह रहा है हमसे कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा का मतलब है कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉट क्या है हमारा 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 8 का 64, तो ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा का भी मान निकाल लिया हमने, और 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा का भी मान निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू याद कर ली। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4, तो जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, यानी ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं है, हमें इसके जरिए ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4 है, तो इसको 3 को इसके नीचे ले आएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार तो हो गया 4 आपका और लंब हो गया आपका 3, तो आप फिगर बनाएंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पे ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा कॉट, तो थीटा के लिए आधार तो हो गया आपका 4 और जो है लंब हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो हमें पहले कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बताइए आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्व टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर इक्व टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, तो के स्क्वायर इक्व टू आ जाएगा आपका 25। दोनों को प्लस करेंगे 16 और 9 को तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो के इक्व टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25, यानी के इक्व टू अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 इक्व टू 5, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, और हमने क्या है टेन साइन और कॉस, इन तीनों की वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका 3, कर्ण क्या हो जाएगा आपका 5 आया था। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका 4, कर्ण क्या है 5। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4, तो 3/4। अब हम ये चीज लेंगे कि जो है हमें ये प्रूव करना है कि जो है क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्व टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल लेके चलेंगे दोनों को, इसकी वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस टेन की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्व टू कॉस का है कॉस थीटा इक्व टू है आपका 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से इसका 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/16। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इसका हो जाएगा 9/16। ठीक है, इक्व टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर आएगा आपका 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 अपॉन 25, 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो 16 आएगा, 16 का 1 में करेंगे तो 16 माइनस 16 से 16 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे तो 9 आएगा अपॉन, इसी तरीके से नीचे वाले का 16 एलसीएम आ जाएगा तो 16 प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आया 16 माइनस 9, क्योंकि देखो 25 का अगर 25 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 ही आएगा, है ना, और 1 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरीके से 25 का 25 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब ये 16 से 16 कट गया आपका, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 7 अपॉन 16 और 9 कितने होते हैं आपके 25 इक्व टू 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 25। ठीक है, तो LHS इक्व टू RHS आ गई आपकी, LHS इक्व टू RHS आ गई आपकी, तो इसीलिए ये क्या है, ये बराबर है। ठीक है, बराबर है, हाँ ये बराबर है। ठीक है, ये कह रहा था ना कि जांच कीजिए कि जो है ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो जो इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए इक्व टू 1/√3 है तो निम्नलिखित मानों की गणना कीजिए, यानी हमें बताना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, और एक बताना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाकर हम इनके पहले सारे मान निकालेंगे, ए जिसमें कि बी समकोण है तो ए बी और सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी में बी समकोण हो जाएगा आपका,
अब टेन ए बराबर है आपका 1/√3, टेन ए बराबर दे रखा है आपका 1/√3, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो हम कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 1/√3, आधार हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 हो गया आपके 4, के इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में 4, और अंडर रूट 4 का क्या निकल गया आपका 2 × 2, यानी के इक्वल्स टू आ गया आपका 2, ठीक है। तो कर्ण आ गया आपका 2। अब हम साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे और साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है आपका, लंब आ जाएगा 1, कर्ण आ जाएगा आपका 2। कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका √3/2, ठीक है। इसी तरीके से साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण ही होगा। अब सी ये है, ठीक है, तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा आपका और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आपका है √3/, कर्ण क्या है आपका 2, ठीक है। और कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी के लिए, सी के लिए लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो 1/√3, ठीक है। इस तरीके से ये हमने मान निकाल लिए। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कॉस सी का मान निकाल लिया, कॉस सी का आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 आधार हो जाएगा और 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान हमने निकाल लिया है यहाँ से, साइन ए का मान है आपका 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का है आपका 1/2, ठीक है, प्लस इसका है आपका कॉस ए का √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी का आपका √3/2, ठीक है। तो इसका जो आएगा 1 का 1 में होगा तो 1, 2 का 2 में होगा तो 4, प्लस √3 का √3 में होगा तो 3 आ जाएगा आपका, और 2 का 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा आपका, तो 1 + 3 तो आ जाएगा 3/1 हो गया आपके 4, 4/4, यानी कि ये आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम दूसरी क्वेश्चन की, ठीक है। बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए आपका है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी आपका 1/2 प्लस माइनस साइन ए आपका 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी आपका √3/2, ठीक है। तो आ गया आपका √3 का √3 में होगा तो √3/2 = 4 माइनस √3 का √3 1 में हुआ तो √3/2 = 4, ठीक है। तो √3/4 में से √3/4 जाएगा तो आपका आएगा 0, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकाल दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की 8.2 की। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि उस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे उनको हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।